नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी भुवनेश्वर में ये राजमहल सर्किल है और यहाँ से हमें ये वीडियो शुरू करके कटक तक जाना है, कटक को एक्सप्लोर करना है, आज कटक देखना है। इधर मेरा होटल है तो इधर ये हमें चलना है जहाँ से हमें बस मिलेगी कल्पना स्क्वायर से। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये व्यू आप यहाँ का देख लीजिए, ये राजमहल का सर्किल और ये ब्रिज। आइए ये वीडियो शुरू करते हैं, बने रहें पूरे वीडियो में और मेरे साथ में इस पूरे ट्रिप को एंजॉय करें। और ये अभी हम कल्पना स्क्वायर आ गए हैं, इधर से चल के आए हैं और ये कल्पना स्क्वायर पे एक स्टैचू जैसा बना हुआ है बड़ा सा, और ये पूरा कल्पना स्क्वायर है। और इधर पूरी है, ये जो रास्ता इधर से आ रहा है ये पूरी का है और इधर कटक है। तो आगे से हमें बस मिलेगी, आइए उस बस अड्डे पे चलते हैं। आगे बस खड़ी है और इस सफ़र को हम कटक तक जारी रखेंगे और फिर कटक को एक्सप्लोर करेंगे। पूरा वीडियो देखें, आपको पूरी जानकारी इसमें मिलने वाली है। ये एक गाड़ी यहाँ खड़ी है कटक की, लेकिन फुल है ये, तो दूसरी गाड़ी आएगी उसका वेट करेंगे। ये गाड़ियाँ पीछे पूरी से आती हैं और भुवनेश्वर होते हुए कटक चली जाती हैं। तो अभी मैंने पता किया तो बोला दूसरी गाड़ी आ जाएगी थोड़ी देर में, तो दूसरी गाड़ी का वेट करते, तब तक ये आप यहाँ का व्यू देख लीजिए। ये चौक यहाँ पर है, काफ़ी बिजी ये सर्किल यहाँ पर है। और यहाँ पर ये सब होटल हैं और ये चाय वाला भैया है यहाँ पर, और ये सब यहाँ का हिसाब किताब है। वेट करते हैं अगली गाड़ी का। और ये गाड़ी हमारे लिए आई है, काफ़ी फुल है, भीड़ है, लेकिन हमें सीट मिल गई है। और ये देखिए यहीं पे अभी चलेगी गाड़ी, ये सवारी बिठा लेती है। ये पूरी से आई है और कटक जाएगी। कटक यहाँ से कितना होगा, कितना दूर होगा कटक? 30 किलोमीटर। हाँ, 1.5 घंटे लगेगा, 1 घंटे करीब का सफ़र ये रहेगा।
अभी हम कटक पहुंच गए हैं। ये कटक का व्यू आप देख पा रहे हैं। ये एक क्रॉसिंग का ब्रिज है जहाँ से आदमी क्रॉस कर सकते हैं, और उस ब्रिज का ये व्यू है। नीचे बस स्टैंड है, इधर से हम आए हैं। ये भुवनेश्वर की तरफ से जो आता है रास्ता, वो रास्ता, और ये यहाँ पर बस का स्टॉप है। यहाँ ये बसें आके रुकती हैं, यहाँ आप उतर सकते हैं। और यदि हमें बस स्टैंड जाना हो तो ये रास्ता जो जा रहा है, ये आगे 300-400 मीटर पे ही बस स्टैंड है सामने, और ये यहाँ का व्यू है। आइए चलते हैं आगे। इस ब्रिज से आपने ये फुटेज देखी थी, और ये ब्रिज के नीचे का व्यू है। आइए आगे चलते हैं और कटक को एक्सप्लोर करते हैं। ये अभी हम बादामबाड़ी चौक पर आ गए हैं, जो कटक का मेन चौक है। और सामने आप देखेंगे तो यहाँ KFC भी यहाँ पर है, और यहाँ ये बड़ा सा एक मंदिर भी है, और ये पूरा चौक, और यहाँ बस स्टैंड भी है जो यहाँ का मेन बस स्टैंड है कटक का, वो बस स्टैंड भी यहीं पर है। और ये यहाँ का व्यू है पूरा, और ये बादामबाड़ी का पुलिस स्टेशन सामने ही है। और ये बसें जो यहाँ से जा रही हैं अलग अलग जगह पे, और ये यहाँ का सिग्नल है, मेन सिग्नल, जिस पर काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ है। और ये अलग अलग तरह के वेंडर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये यहाँ के लोग जो इधर से उधर कहीं कहीं जा रहे हैं। तो बने रहे पूरे वीडियो में और कटक को एंजॉय करते रहें। और ये बादामबाड़ी चौक से हम चल के आते हैं, तो ये पास में यहाँ पर ये बस स्टैंड है आप देखिए, और ये बस स्टैंड के बाहर का व्यू है पूरा। और ये अभी हम बस स्टैंड के अंदर आ गए हैं, तो यहाँ पर चारों तरफ आपको बसें ही बसें दिखाई देंगी। काफ़ी कंजेस्टेड लग रहा है, छोटा है, जगह कम है, और चारों तरफ बसों की भीड़ है, और बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं। और अभी हम ऑटो में बैठे हैं, ये ऑटो वाले भैया हमें लेके जाएंगे। शेयरिंग में ये ऑटो यहाँ से जाता है, और ये बादामबाड़ी से रेलवे स्टेशन तक हमें 30 रुपये में शेयरिंग में लेके जाता है। यहाँ से कितना दूर होगा रेलवे स्टेशन? 5-6 किलोमीटर का सफ़र है ये, जो ये 30 रुपया शेयरिंग, यानी दूसरे जो बैठेंगे उनसे भी 30 देगा और हमें रेलवे स्टेशन छोड़ देगा। अभी ये सवारियों का वेट कर रहा है, उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे। और ये अभी हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन पे, कटक का रेलवे स्टेशन। और ये आप देखें यहाँ पर, मंदिर भी है, और सामने कटक रेलवे स्टेशन है, और ये यहाँ एक मंदिर है, ये कुछ लिखा है, दान पेटी है, ये दान पेटी का कुछ लिखा होगा। और ये कटक रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा
महल नुमा इसका गेट दिया गया है, बड़ा बनाया गया है। ये देखिए आप, 11:27 हो चुके हैं यहाँ पर, और ये सामने का पूरा व्यू है। और ये बीजू पटनायक साहब का बड़ा सा एक होल्डिंग भी यहाँ पे लगा हुआ है। और ये रेलवे स्टेशन के अंदर का व्यू, एंट्री जहाँ से होती है, और ये सामने एक मंदिर है यहाँ पर। और ये सामने का पूरा रोड का व्यू, और ये यहाँ पर बड़ा सा एक झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इस तरह से ये पूरा कटक रेलवे स्टेशन का व्यू आप देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।